بسم الله الرحمن الرحيم. Now we are discussing about remaining part of chapter number 16. Topic is semiconductor. अब semiconductor है क्या? किन material को semiconductor कहा जाता है? ये हम इससे पहले वाले lecture में discuss कर चुके हैं. Those material having very narrow gap between conduction and valence band are called semiconductor. इससे पहले basic जब हमें पता नहीं थी कि semiconductor, conductor और insulator इनमें difference क्या है, band theory हमें पता नहीं थी, तो हम कहते थे जिन material के पास, जिन सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर है. जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो, यानी वो मूव ना कर सकें, उन्हें कहा जाता था इंसुलेटर. और जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, उन्हें हम कहते थे कि वो सेमीकंडक्टर. लेकिन जब हमें पता चला बैंड थ्योरी का कि बेसिकली सॉलिड में बनते हैं एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों के दरमियान बनने वाला फॉरबिडन गैप, अगर फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है तो वो आ जाएगा किसमें? इंसुलेटर में. और अगर फॉरबिडन गैप नैरो है तो वो आएगा सेमीकंडक्टर में. एट रूम टेम्परेचर, याद रहे कि जैसे सेमी कंडक्टर की हम बात करें तो हमारे पास है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बेसिकली हमारे पास मिलने वाले नेचुरल सेमी कंडक्टर हैं. रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमें मिलेंगे सेमी कंडक्टर की फॉर्म में. लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा हो जाए जीरो केल्विन, ये ओके नहीं बल्कि जीरो केल्विन है, तो फिर ये सेमीकंडक्टर नहीं रहेंगे बल्कि ये क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर. याद रहे कभी कभार पूछा जाता है एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सेमीकंडक्टर बिकम्स, यानी वो अपनी नेचर को चेंज कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इंसुलेटर में. अब आ जाए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, सॉरी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? पहला इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. अ सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, यानी एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो हमें एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में मिले, यानी उसमें ना तो हमें कुछ ऐड करना पड़े और ना ही उसमें से कुछ निकालना पड़े, ऐसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जनरली फोर्थ ग्रुप के हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर. लाइक सिलिकॉन, आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्म में आ जाते हैं. या हम इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार हों, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देन नंबर टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक का मतलब जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिले, जिसमें ना तो कुछ ऐड करना पड़े, ना कुछ निकालना पड़े, ना कुछ देना पड़े, ना कुछ लेना पड़े, नेचुरली हमें मिल जाए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नंबर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कुछ ना कुछ हमें करना होगा. दो सब्सटेंस टू विच सम इंप्योरिटीज आर एडेड टू ऑप्टेन,
यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी को ऐड करना पड़े। द डोप्ड सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर को, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप सेमीकंडक्टर का नाम भी दिया गया है। डोपिंग और डोप का मतलब है मिक्सिंग, मिक्सिंग प्रोसेस, ऐड करना, मिक्स करना। द डोप सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कितनी तरह से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। नंबर वन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, ये सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं, हमें मिलते हैं कैसे, बाय एडिंग एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट। यानी फोर ग्रुप हमारे पास जो है वो है एक नेचुरल सेमीकंडक्टर। हम क्या करें, पेंटावेलेंट यानी फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाएं और उसे उठा के इंप्योरिटीज के नाम पे ऐड कर दें, किसमें, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ। फोर्थ ग्रुप में अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा एक्सट्रिंसिक, लेकिन उसमें टाइप कौन सी होगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लाइक आर्सेनियम, एंटीमोनी, फास्फोरस, अगर इन में से किसी भी एक एलिमेंट को हम लें और उसे ऐड कर दें किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, यानी ये दोनों हमारे पास हो, या सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसके साथ हम तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट को उठा के उसमें अगर ऐड कर दें इंप्योरिटीज के नाम पे, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा टाइप बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है नेगेटिव सेमीकंडक्टर, आल्सो कॉल्ड डोनर डोपिंग। किस तरह से ये मिलते हैं, हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन का एटम, फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके आउटर पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, चार। सेंटर पे इंप्योरिटीज के नाम पे हमने रखा किसको, फास्फोरस को, इंप्योरिटी एलिमेंट। अब पेंटावेलेंट यानी पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलिकॉन के एटम के साथ बनाएंगे बॉन्ड। इनमें से एक जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा, इसीलिए इस एन टाइप के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ जाएगी नेगेटिव, तो हम इसका नाम भी रखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। द चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी नेगेटिव। देन नंबर टू, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही सेकेंड पार्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है या किस तरह से मिलता है, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट, यानी फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ इंप्योरिटी हम किसकी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट की, यानी थर्ड ग्रुप की। जब हम इंप्योरिटी को ऐड कर देंगे किसके साथ, फोर्थ ग्रुप के साथ, जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सी टाइप मिलेगी, पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव ड्यू टू होल। और इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टर डोपिंग। यानी ये जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर,
इसमें एबिलिटी ये है कि अगर किसी के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये होल में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये मिलेगा कैसे कि सेंटर में हम रखेंगे ट्राइवेलेंट यानी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट इम्प्योरिटी, इसके साथ कोवेलेंट बांड के लिए हम रखेंगे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को यानी सिलिकॉन। इसके पास है तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इनके साथ बनाएंगे कोवेलेंट बांड। ये एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ये यहां पे वैकेंट रहेगी जिसको हम नाम देते हैं होल, और होल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू होल। देन पी एन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड। जंक्शन का जैसा कि आपको पता होगा कि जंक्शन हम कहते हैं किसी स्टेशन को जहां पे क्या हो कि डिफरेंट सिटी से या डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली जो क्वांटिटीज हैं या जो आने वाली जो गाड़ियां हैं वो एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएं, हम उसे कहते हैं जंक्शन, लाइक रेलवे जंक्शन। हियर पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन का मतलब कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसमें जो दो हमारे पास एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हैं जिसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिलाया जाए किसी जगह के ऊपर, उस प्लेस को हम नाम देते हैं, उस डिवाइस को हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन, या उसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। हाउ यू कैन डिफाइन इट, अ ब्लॉक ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस एडजेसेंट टू अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए किसके साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, टू फॉर्म अ कॉमन प्लेट। क्या मिलाए दोनों मिलके, एक प्लेट की फॉर्म में हमें नजर आए जस्ट लाइक हियर। तो उस कॉमन प्लेट को जिसकी थिकनेस कितनी हो 10^-3 मिलीमीटर यानी बहुत ही बारीक सी एक चिप बन जाए, जिसका नाम रखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। यहां पे दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक एन टाइप पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि इसमें एबिलिटी है कि यह दूसरों को फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव एक्सेप्टर, हियर पॉजिटिव डोनर, ये देने की सलाहियत रखता है इसलिए इसका नाम डोनर, लेने की सलाहियत रखता है इसका नाम है होल। इस पी टाइप के ऊपर चार्ज क्या होगा नेगेटिव, एन टाइप के ऊपर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है डोनर, नेगेटिव का मतलब ये है एक्सेप्टर। इन दोनों को मिला दिया जाए किसी चिप के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर जिसकी थिकनेस 10^-3 मिलीमीटर के करीब हो, ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो दोनों के दरमियान देखें एक ऐसी जगह आएगी जहां पे डेंसिटी ऑफ एन टाइप एटम एंड द पी टाइप एटम दोनों की डेंसिटी जहां पे इक्वल हो, ऐसी लेयर को, ऐसे रीजन को कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। पी टाइप के ऊपर ये जो होल्स आपको नजर आ रहे हैं, एन टाइप के ऊपर आपको होल्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे कहां पी टाइप की तरफ, और ये जो होल्स हैं ये आपको नजर आएंगे कहां एन टाइप की तरफ, और यहां पर हमारे पास सेंटर में जहां पर दोनों की डेंसिटी एक दूसरे के इक्वल होगी वहां पे बनेगा डिप्लीशन लेयर। किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी सर्किट में पीएन जंक्शन या डायोड लगा हो तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हियर ए स्टैंड फॉर एनोड,
सी स्टैंड फॉर कैथोड, हियर स्मॉल वर्टिकल लाइन या एरो फेस जो है ये शो करता है एन टाइप को, वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है ये शो करती है किसको, पी टाइप को। एनोड पी टाइप, कैथोड एन टाइप, फेस ऑफ दिस एरो शोज द एन टाइप एंड द वर्टिकल लाइन शोज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा एनोड और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा कैथोड। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स हैं, उसमें फिर हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हैं। थैंक यू।